माननीय प्रधानमंत्री जी की सतत प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे का उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रयासरत है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण झलकियां एक लघु फिल्म के माध्यम से आप सभी के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं। भारतीय रेल ये न कभी थमती है न कभी थकती है, हर समय देश सेवा में तत्पर रहती है। महामारी के समय भी इसने देश के एकजुट प्रयासों को दी मजबूती। मेडिकल सामान और खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की और दूर फंसे लोगों को ससम्मान घर पहुंचाया। भारतीय रेल का नेटवर्क काफी बड़ा है, पर समय के साथ यात्री और मालगाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या से गति प्रभावित हुई है। इस जटिल समस्या के निदान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में रेलवे को आधुनिक व दक्ष बनाने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। साथियों, बीते 6 साल से भारतीय रेल को नए भारत की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल है फ्रेट कॉरिडोर्स का तेज गति से निर्माण। 81,000 करोड़ की लागत वाले विकास के 2 कॉरिडोर्स, वेस्टर्न एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1,506 किलोमीटर लंबा है। वह जोड़ेगा JNPT मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से। वहीं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1,875 किलोमीटर लंबाई तय कर लुधियाना पंजाब को दानकुनी पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का काम जो सालों से सुस्त पड़ा था, उस पर 2014 के बाद पहले के मुकाबले 11 गुना से भी अधिक पूंजी निवेश की गई है। इस निवेश से जहां एक ओर सालों से अटके ट्रैक लिंकिंग और विद्युतीकरण का काम तेजी से पूरा हुआ, वहीं दूसरी ओर दोनों कॉरिडोर्स का निर्माण उच्च तकनीक, गुणवत्ता और सटीक प्लानिंग से हो रहा है। इसीलिए आज पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा तक 351 किलोमीटर का ट्रैक संचालन हेतु पूर्णतः तैयार है, और साथ ही तैयार है दुनिया के सबसे बड़े एवं सर्वोत्तम कंट्रोल सेंटर्स में से एक, प्रयागराज का अत्याधुनिक तकनीक से लैस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। इन दोनों कॉरिडोर्स के निर्माण से माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी, कृषि और प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, सड़क मार्ग सुगम और रेल फाटक रहित होंगे, ज्यादा माल ढोने वाली मालगाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और नए शक्तिशाली रेल इंजन और लंबी गाड़ियों से अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड को देश को समर्पित। ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ एवं इस खंड पर मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर के बीच नवनिर्मित 351 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खंड का तथा प्रयागराज में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संचालन के लिए अत्याधुनिक नवनिर्मित कंट्रोल भवन का लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः सादर अनुरोध कि भारतवर्ष की प्रथम 1.5 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों का न्यू भावपुर एवं न्यू खुर्जा स्टेशनों से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी,
प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसको जो है रवाना किया है। ये अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक दिन है जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर इस ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। अगर इस ट्रेन की बात करें तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है जिसमें 116 वैगन हैं, और इन वैगन में अगर हम बात करें तो एक वैगन में तकरीबन 32 माफ़ी चाहूँगा एक वैगन में तकरीबन 100 टन के आसपास जो है वो अनाज आता है, और इसमें अगर बात करें तो उस हिसाब से तकरीबन 116 वैगन है जिसमें कि ट्रकों के लिहाज से अगर बात करें तो 812 ट्रक का जो है इसमें सामान लोड है। तो उससे कई सारे फायदे हो रहे हैं, फायदे ये हो रहे हैं। श्री आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय रेल मंत्री भाई पीयूष गोयल जी, संसद में मेरे सभी सहयोगी गण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव भाइयों और बहनों, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। साथियों, आज जब खुर्जा भाऊपर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गुंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है, और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है, भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती है, नाड़ियां होती है। जितनी बेहतर ये नसें होती हैं उतना ही स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान कोई राष्ट्र होता है। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर आईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन 5ों पहियों को ताकत दी जा रही है, गति दी जा रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो मालगाड़ियों के लिए बने विशेष ट्रैक हैं, विशेष व्यवस्थाएं हैं। इनकी जरूरत
आखिर देश को क्यों पड़ी? हमारे खेत हो, उद्योग हो या फिर बाजार, ये सब माल ढुलाई पर निर्भर होते हैं। कहीं कोई फसल उगती है, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है, एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है, उद्योग से बना माल बाजार तक पहुंचाना होता है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ी की गति धीमी होती है, ऐसे में मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है। इससे पैसेंजर ट्रेन भी समय पर नहीं पहुंच पाती है और मालगाड़ी भी लेट हो जाती है। मालगाड़ी की गति जब धीमी होगी, जगह जगह रोक टोक होगी, तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा होगी। इसका सीधा असर हमारे खेती, खनिज उत्पाद और औद्योगिक उत्पादकों की कीमत पर पड़ता है। महंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली स्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। भाई और बहनों, इसी स्थिति को बदलने के लिए फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाई गई। शुरू में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार करने की योजना है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानकुनी से जोड़ रहा है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस रूट में कोयला खाने हैं, थर्मल पावर प्लांट है, औद्योगिक शहर है, इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महाराष्ट्र में जेएनपीटी को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। लगभग 1500 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावाव, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। इसी तरह उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाले ऐसे विशेष रेल कॉरिडोर से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। भाई और बहनों, माल गाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी, दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा, हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा, देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। लुधियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान, अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबारी, मलिहाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेदर उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री, हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है। विशेष तौर पर औद्योगिक रूप से पीछे रह गए पूर्वी भारत को ये फ्रेट कॉरिडोर नई ऊर्जा देने वाला है। इसका करीब करीब 60% हिस्सा यूपी में है, इसलिए यूपी के हर छोटे बड़े उद्योग को इससे लाभ होगा। देश और विदेश के उद्योगों में जिस प्रकार यूपी के प्रति आकर्षण बीते सालों में पैदा हुआ है, वो और अधिक बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लाभ किसान रेल को भी होने वाला है। कल ही देश में 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई है। किसान रेल से वैसे भी खेती से जुड़ी उपज को देश भर के बड़े बड़े बाजारों में सुरक्षित और कम कीमत पर पहुंचाना संभव हुआ है। अब नए फ्रेट कॉरिडोर में किसान रेल और भी तेजी से अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में भी किसान रेल से अनेक स्टेशन जुड़ चुके हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के पास भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी की बढ़ाई जा रही है। यूपी के 45 माल गोदामों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।